नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास एसएफ एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपका टिकट बुकिंग करने में पैसा कट गया और आपका टिकट बुकिंग नहीं हुआ, या आपका टिकट का पैसा रिफंड नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कितने दिन में पैसा वापस आता है, और नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में आपको कम्प्लीट जानकारी देंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों का कमेंट आ रहा है कि मेरा टिकट बुकिंग नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बैंक खाते से जो है पैसा कट गया, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला, टिकट बुकिंग नहीं हुआ है, नोट बुकेड लिख रहा है। तो उस कंडीशन में आपको कितने दिन के अंदर पैसा रिटर्निंग मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, और कितना दिन तक आपको इंतज़ार करना चाहिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा और आपको पूरी तरीके से हम अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। आप इसको लेकर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। आप हमारे चैनल पर पहले बार होंगे तो चैनल को लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को निशान को भी दबा दीजिए, ताकि रेलवे टिकट बुकिंग संबंधित हर तरह की जानकारी हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं कि कब कहां से ट्रेन खुलेंगे, कब कहां जाएगी, कब टिकट बुकिंग होगा, सारा कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को निशान को जरूर दबा देंगे, और किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें ताकि हम उसके लेकर के वीडियो हम बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही आपको जानकारी दें हम वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुँचे। तो देखिए क्या कुछ है यहाँ पे, IRCTC की जब साइट को ओपन कीजिएगा या एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो यहाँ आपको इस तरह के एक नीचे में सबसे लास्ट में एक जो नोट अलर्ट आता है, देखेंगे मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ, ऐप भी ओपन करेंगे, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप भी को ओपन करेंगे तो इस तरह का देखने को मिलेगा अलर्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश में लिखा गया है कि अगर आपका टिकट बुकिंग करने के दौरान आपका टिकट का पैसा जो है वो बैंक खाते से कट जाता है, और किसी कारण से मतलब कि वो टिकट बुकिंग नहीं हो पाता है, या IRCTC के पास जो है वो पैसा नहीं जाता है तो आपका टिकट बुकिंग नहीं हो पाता है। तो देखिए कई बार ऐसा केस होता है, पहला नंबर आप समझेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपका पैसा बैंक अकाउंट से तो सक्सेसफुल हो जाता है, आपका खाते से पैसा कट गया, ठीक है, और लेकिन IRCTC जो है वो लेने में देरी कर देता है, पैसा जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, टेक्निकल इशू को लेकर के, तकनीकी समस्या को लेकर के किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आपका पैसा बैंक अकाउंट से तो कट चुका है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अब बैंक जाने में आपका बैंक खाता में रिटर्निंग जाने में उस पैसा को, पैसा तो नहीं लिया है IRCTC, तो आपको टिकट तो देगा नहीं किसी, लेकिन ये बात रह गया कि पैसा आपका खाता से कट गया है तो उसको बैंक जाने में थोड़ा लंबा प्रक्रिया लगता है, इसको 2-3 दिन का समय लग जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 से 5 वर्किंग डे आपको लग सकता है, इतना दिन आपको लगेगा। तो 3 से 5 दिन वर्किंग डे का मतलब हुआ क्या है कि सैटरडे और संडे और होलीडे को छोड़ करके 3 से 5 दिन के अंदर आपका पैसा जो है वो बैंक खाते में रिटर्निंग कर दिया जाएगा, यहाँ पे ये टाइमिंग दिया जा रहा है। और आपको टिकट कैंसिल भी होता है तो 3 से 5 दिन के अंदर आपका बैंक खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रेन कैंसिल होने के लिए करके टिकट आपका कैंसिल ऑटोमेटिक होता है तो आपको पैसा रिटर्निंग कर दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि वेटिंग का, अगर वेटिंग टिकट आपका निकल जाता है, 4 महीने तक वेटिंग ही आपका टिकट रह जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप चाहे तो टिकट को कैंसिल कर सकते हैं खुद से, या ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ट्रेन पूरी तरीके से रद्द है तो उस समय में आपको टिकट कैंसिल नहीं करना है, तो कैंसिलेशन चार्ज आपका कटेगा। और लेकिन वेटिंग टिकट अगर 4 बनने तक भी आपका वेटिंग ही रह जाता है तो आप कैंसिल नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका खुद ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल हो करके और आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन वेटिंग टिकट वाले अगर ये टिकट बुकिंग करते हैं तो आपका सीट कंफर्म नहीं होगा और वेटिंग ही रह गया तब आपको कैंसिलेशन चार्ज देना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। कैंसिलेशन चार्ज आपका कटता है, वेटिंग टिकट बुक किए हैं आप और आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो आपका टिकट कैंसिल होकर के और कैंसिलेशन चार्ज काट करके ही पैसे मिलेंगे। लेकिन ट्रेन जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाता है उस कंडीशन में आपको टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं करें नहीं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। IRCTC का कहना है कि अगर ट्रेन पूरी तरीके से रद्द है तो उस कंडीशन में आपका टिकट खुद कैंसिल करके आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि 3 से 5 दिन वर्किंग डे के अंदर, यहाँ पे देख भी रहे होंगे आप, 3 से 5 दिन वर्किंग डे यहाँ पे अंदर आपको बैंक खाते में पैसा रिटर्निंग कर दिया जाएगा जहाँ से आपने पेमेंट किया था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको नहीं मिलता है पैसा तो आप IRCTC के कस्टमर केयर नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। IRCTC के कस्टमर केयर का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर आपको PNR नंबर बता करके या अपना ID बता करके या ट्रांजेक्शन ID कुछ भी बता करके आप उससे वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। टिकट बुकिंग हुआ है तो आपको PNR नंबर मिलेगा, नहीं तो टिकट नहीं बुक हुआ है, फेल हो गया है
तो आप ट्रांजेक्शन आईडी बता करके अपना या अपना लॉगिन आईडी बता करके आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। एसटीसी कस्टमर केयर का नंबर भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। दो नंबर मैं दे दूँगा या स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको रेलवे टिकट बुकिंग संबंधित ट्रेन के बारे में ही जानकारी आपको दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका टॉपिक को देख करके हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे टिकट बुकिंग संबंधित सिर्फ वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर। तो आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।